वेलकम ऑन परिष्कार प्लेटफॉर्म आई एम मनीष शर्मा टुडे वी आर डिस्कसिंग द एनालॉजी एनालॉजी की जो स्लाइड्स आएंगी वो हो सकता है आपको इंग्लिश में दिखाई दे लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के बेसिस पे अपन रीड आउट करेंगे एनालॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस के अंदर ट्वेंटी में से थ्री क्वेश्चन एनालॉजी के आते हैं ठीक है उसके अलावा बैंक्स में एनालॉजी नहीं आती लेकिन अपने पटवारी के अलावा एसआई SI के अलावा सारे जो भी राजस्थान के पेपर होते हैं उन सब में एनालॉजी आता है जिसे हिंदी में सादृश्य परीक्षण कहते हैं ठीक है राजगुजर हाय केमात गुड मॉर्निंग अंजलि विजय मेहक रवि अर्जुन यादव कोमल राठौड़ विजय कुमावत सबको गुड मॉर्निंग राम राम ठीक है के बाद में पता है आपको परिष्कार गॉट ए फर्स्ट रैंक इन राजस्थान इन सेकंड ईयर आउट ऑफ सेवनटीन हंड्रेड प्राइवेट कॉलेजेस दैट सर्वे कंडक्टेड बाय द एजुकेशन वर्ल्ड और फोर्टी फर्स्ट रैंक है पैंतीस हजार कॉलेजों में उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको पता ए सर्टिफिकेट दे रखा है तो आप निश्चिंत होके परिष्कार को ज्वाइन कर सकते हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो सो वी हैव टू कॉलेजेस पी पीआईसी राइट सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनालॉजी टेस्ट एनालॉजी जिसको अपन सादृश्य परीक्षण कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें भी आ रहे होते हैं इसके अंदर भी आ रहे होते हैं रेलवेज में भी आ रहे होते हैं राजस्थान के सारे एग्जाम्स में आते हैं केवल बैंक्स के एग्जाम में नहीं आ रहा होता है एनोलॉजी टेस्ट ठीक है तो एनालॉजी जिसे सादृश्य परीक्षण कहते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमल यस yes. ठीक है एनालॉजी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से आपकी रिलेशन है क्या आपकी जीके आपकी स्टैटिक कितनी अच्छी है उसके बेसिस पे आपको देखा जाता है कि आपने अपने स्टैटिक की नॉलेज कैसे कर रखी है ठीक है ठीक है अंजलि अर्जुन यादव विवेक कुमार ठीक है <laughs> क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन एनालॉजी के किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे एक तो एनालॉजी का क्वेश्चन आता है अपने इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट जो है वो आपके जीके पार्ट में भी आ रहा होता है ठीक है ओके तो यहां पर ध्यान देते हैं इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के बारे में ध्यान देते हैं बैरोमीटर का आपको पता होगा कि जैसे बैरोमीटर और प्रेशर लिख दिया जाए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एक तरफ लिख देगा बैरोमीटर प्रेशर और दूसरी तरफ लिख देगा थर्मामीटर और फिर क्वेश्चन टेक उसे कहते हैं एनालॉजी कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ में जैसा भी रिलेशन है वो थर्ड का फोर्थ के साथ में रिलेशन जनरेट करना है अपन को ठीक है गुड मॉर्निंग एने मीनाक्षी गुड मॉर्निंग यहां पर आते हैं तो आपको पता ही होगा बैरोमीटर का यूज क्यों करते हैं बैरोमीटर का यूज अपन जानते हैं प्रेशर या दबाव का नापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर की रीडिंग हाई होती है और लो होती है तो आपको पता है कि यदि हाई होगी तो फिर क्या होगा ठीक है एक बार तूफान आने का संकेत होता है ठीक है बहुत तेज विंड चलती होती है, है और एक टाइम बहुत तेज बारिश होने के लिए भी यही चीज नापा जाता है बैरोमीटर के थ्रू थर्मामीटर के थ्रू आप जानते हो कि टेम्परेचर नाप रहे होते हैं एनिमोमीटर ये आपके वन वर्ड्स में भी काम में आएंगे जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो एनिमोमीटर विंड वेन के मेजरमेंट के लिए काम में आ रहा होता है स्पीड को मापने के लिए आपको पता है कि ऑर्डोमीटर का यूज होता है राइट लेंथ जो है लंबाई लंबाई मापने के लिए स्केल का यूज करते हैं अपन बचपन से कर रहे हैं द्रव्यमान का यूज करने के लिए मास का यूज करने के लिए बैलेंस का यूज करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज आपको पता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए करते हैं ब्लड प्रेशर आप जानते हो बीपी जो है अपनी बॉडी के अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसे अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं वो कंट्रोल करता है बीपी को तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसकी वजह से बीपी कंट्रोल होता है ये आपको पता है बीपी को कंट्रोल या नापने के लिए किसका यूज करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं राइट रेन का रेन को मापने के लिए क्या आज कितनी बारिश हुई इसके लिए रेन गेज का यूज किया जाता है राइट right. हाइग्रोमीटर जो है यदि हाइड्रो होता है तो पानी के लिए आता है और हाइग्रो आता है तो ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है आद्रता आद्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं जो इंग्लिश में वन वनवर्ड पढ़कर आए उनको तो बहुत सारी नॉलेज पहले से है ठीक है सोनू गुड मॉर्निंग उसके बाद में अमीटर आपने पढ़ा होगा कि करंट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं अमीटर का यूज किया जाता है थिकनेस जो है आपने देखा होगा यदि आपने 11, 12 के अंदर प्रैक्टिकल किए हो तो तो थिकनेस जैसे कागज की मोटाई नापनी है तो कागज की मोटाई नापने के लिए अपन को स्क्रू गेज का यूज करते हैं स्क्रू गेज का यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर ठीक है अर्थक्वेक आपको पता है कि यदि भूकंप को नापना है तो रिएक्टर स्केल के अंदर मापा जाता है लेकिन नापता कौन है सिस्मोग्राफ रिएक्टर स्केल के अंदर उसकी रीडिंग देखी जाती है कि कितने रिएक्टर स्केल पे भूकंप आए अर्थक्वेक आए लेकिन नापते किससे है तो आप बोलोगे सर सिस्मोग्राफ से नापा जाता है तो ये एक टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एनोलॉजी के अंदर जनरेट हो जाए ठीक है तो यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्वांटिटी एंड यूनिट क्वांटिटी और यूनिट जैसे कि आपको पता है कि द्रव्यमान जो है उसको अपन जानते हैं ग्राम में भी नापते हैं किलोग्राम में भी नापा जाता है लंबाई को कैसे नापा जाता है मीटर में किलोमीटर में आप जानते हो ठीक है उसी तरीके से आपको पता होगा कि फोर्स जो है जिसको हिंदी मीडियम वाले बल कहते हैं उसको आप जानते हो कि यदि अपन एम के एस पद्धति में पढ़ रहे हैं तो न्यू, न्यूटन उसका मात्रक होता है सीजीएस में पढ़ोगे तो डाइन उसका मात्रक हो जाएगा जिसे यूनिट कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले राइट तो आप जानते हो टाइम जो है उसका जो यूनिट है वो क्या हो गया सेकंड हो गया करंट जो है उसका यूनिट क्या हो गया एम्पियर ऐसे एनर्जी जो है वो आप जानते हो कि जूल में नापी जाती है उसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता है कि एनर्जी क्या होती है उसकी वीमा क्या होती है मतलब कि उसके डायमेंशन क्या होते हैं ठीक है ठीके? तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए ल्यूमिनोसिटी को कैंडेला में नापा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ल्यूमिनोसिटी का मात्रक क्या है तो आप बोलोगे कैंडेला रजिस्टेंस प्रतिरोध जिसे कहते हैं उसका मात्रक ओम है प्रेशर जो है उसका मात्रक पास्कल भी होता है और बार में भी नापा जाता है आपको पता है आयतन जो है वो लीटर में देख सकते हैं अपन लीटर में मापा जाता है एंगल का जो मात्रक है स्टे रेडियन भी होता है और रेडियन भी होता है यदि ठोस एंगल है सॉलिड एंगल है तो तो फिर स्टे रेडियन का यूज होगा नहीं तो सिंपल सा रेडियन का यूज कर सकते हैं डिग्री में भी अपन एंगल मापा जाता है रेडियन टू तो डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप टेक्नोमेट्री में सीख जाओगे पावर जो है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन पॉइंट होता है साइंस वालों को पता होगा पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट ठीक है आपसे पूछ लेता है कि वन हॉर्स पावर में कितने वॉट्स हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियल जैसे कि अपन बोलते हैं वोल्टेज और ठीक है इसका मात्रक जो है वोल्ट है ठीक है वर्क जो है वही एनर्जी जैसा ही होता है क्योंकि आपको पता है वर्क और एनर्जी का मतलब सेम होता है और दोनों के यूनिट क्या है जूल तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी और यूनिट्स जो अपने एनालॉजी में बहुत सारे आते हैं एरिया जो कि अपन जानते हैं कि एरिया का मात्रक क्या होता है तो एरिया का मात्रक हेक्टेयर है, होता है एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं तो आपसे पूछ सकता है तो आप ध्यान रखना वन हेक्टेयर मैथ्स में काम में आता है दस हजार मीटर स्क्वायर होता है वन हेक्टेयर के अंदर ठीक है टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को डिग्री में मापा जाता है सेल्सियस में भी माप सकते हो फॉरन हाइट में मापा जा सकता है कंडक्टिविटी जिसे अपन चालकता कहते हैं उसका जो मात्रक होता है वो महोम होता है साइंस वालों को तो बहुत ही सही लगेंगे सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक होता है या यूनिट होता है तो वो होता है ऑरेस्टेड तो इस तरीके से आपको क्या पता होगा यूनिट्स पता होने चाहिए सारे के सारे ठीक है लोकेश गुड मॉर्निंग तो आप ध्यान रखना जो जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ उन सारे के सारे आपको डिटेल्स में पढ़नी है वो आपके अपने साइंस में भी काम में आ जाएगा कई सारी चीजें आपको स्टेटिक जीके में जो जीके में काम में आ रही होती है इसके बाद में अपन चलते हैं इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स से ऊपर बेस्ड एनालॉजी बनती है जैसे कि आप जानते हैं सेलर्स है और सेलर्स के ग्रुप जो होता है उसको क्रू मेंबर्स कहते हैं ठीक है क्रू मेंबर्स आप देखोगे सेलर्स जो होते हैं जैसे बहुत सारे पहले क्या होते थे नाविक के थ्रू भेजा होता था वन टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर होता है हजार नहीं ठीक है गुड मॉर्निंग निर्मला यहां पर आते हैं कैटल जो है कैटल का जो ग्रुप है वो होता है हर्ड ठीक है तो हर्ड कैटल्स का ग्रुप होता है जैसे ग्रेप्स है तो बहुत सारे जो अंगूर होते हैं उसका जो ग्रुप होता है वो बंच होता है ठीक है शीप जो है शीप का जो ग्रुप होता है वो फ्लॉक्स कहलाता है ठीक है बीज जो है बहुत सारी मक्खियों का जो ग्रुप होता है वो स्वार्म होता है आर्टिस्ट का ग्रुप जो होता है वो ट्रुप्स होते हैं सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाता है फिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके ग्रुप को शॉल कहते हैं ठीक है राइडर्स के ग्रुप को कैवल केड कहते हैं ठीक है सिंगर्स के ग्रुप को चौरस कहते हैं और बुके जो है आपको पता है फ्लावर्स के ग्रुप को कहते हैं अपन बुके देते हैं तो उस केस में अपन को पता है बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं घुमक्कड़ कहते हैं नॉमर्स और उनके ग्रुप को भी हॉर्ड कहते हैं तो ये चीज ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आएंगे तब इनकी बात करेंगे अभी आते हैं एनिमल्स और यंग वन राइट एनिमल्स एंड यंग वन ठीक है खुश मिनती गुड मॉर्निंग यहां पर आते हैं हाय यस अर्जुन यादव यहां पर आते हैं एनिमल्स और यंग वन जो है जैसे काउ है बोले तो गाय उसके बच्चे को अपन हिंदी में तो बहुत कुछ कह सकते हैं इंग्लिश में ध्यान रखें काफ इससे क्या होगा आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी काम में आएंगे क्योंकि पटवारी जैसे एग्जाम में भी सिनोनिम एंटोनिम्स आपके सिलेबस में जिसमें आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले तो आप ध्यान रखना हॉर्स है हॉर्स का जो यंग वन है मतलब उसका बच्चा है या बेबी है उसको बोलते हैं पोनी राइट कैट जो है उसके यंग वन को किटन कहते हैं इतने भी याद रख लो बटरफ्लाई कैटरपिलर है। है, कहते हैं बटरफ्लाई है, जो है उसके जो यंग वन है उसे कैटरपिलर गिवन कहते हैं इंसेक्ट जो है जिसे अपन हिंदी में कीड़ा कह सकते हैं उसके जो छोटा यंग वन है उसको लार्वा गिवन कहते हैं लार्वा कहते हैं हेन जो है उसके छोटे से यंग वन को चिकन कहते हैं डक जो है उसका यंग वन डकलिंग होता है मैन जो है उसका यंग वन चाइल्ड होता है ये ऑलरेडी पता है आपको, है आपको लायन जो वो कब डॉग एंड पपी तो अपन तब डिस्कस करेंगे एक बार ये चीजें बता दू कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एनालॉजी के लिए राइट गुड मॉर्निंग अभी यहां पर आते हैं मेल एंड फीमेल्स आपको पता ही है कि हॉर्स जो है उसके फीमेल को मैरी कहते हैं डॉग बिच स्टैग एक तरीके का हिरण होता है और उसके जो फीमेल वर्जन को कहते हैं डॉ कहते हैं ड्रोन आपने खूब सुना होगा ड्रोन उड़ते हुए देखा होगा तो वो बी का मेल वर्जन कहलाता है या अपन भी कह सकते हैं उसका जो मेल वर्जन उसको ड्रोन कहते हैं सन डॉटर सॉर्ट्स सेरर जो कि एक जादू दिखा रहा होता है और सॉर्ट इसे लेडी जेंटलमैन टाइगर टाइगरस नेफ्यू नीस ये आपको पता होगा भतीजा और भतीजी या भांजा और भांजी लायन और लाइनस तो इस तरीके से आपको मेल फीमेल्स भी पता होने चाहिए जो एनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है अब यदि अपन आगे चलते हैं तो इंडिविजुअल्स और क्लास की बात करते हैं इंडिविजुअल्स और क्लास जैसे लिजार्ड जो है आपको पता है जो कि वो रेप्टाइल्स के ग्रुप में आ रहे होते हैं तो रेप्टाइल एक क्लास है उसके अंदर लिजार्ड्स आ रहे होते हैं जो कि रैंग के चल रहे होते हैं जानवर ठीक है वो रेप्टाइल्स में आते हैं

उसी तरीके से अब इनका फेवरेट स्थान कौन सा है ड्वेलिंग प्लेस इंडिविजुअल्स एंड ड्वेलिंग प्लेस में आपको पता है कि डॉग जो है वो कैनाल में रहता है उसके अलावा बी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपायरी और अवायरी राइट आपको पूछेगा स्टडी ऑफ बीज तो अपायरोलॉजी और स्टडी ऑफ बर्ड्स अवायरोलॉजी तो आप ध्यान रखना कि अपायरी अपायरी वर्ड यूज होता है बीज के लिए और अवायरी यूज होता है ठीक है वो होता है अपने बर्ड्स के लिए कैटल जो है उनका ड्वेलिंग प्लेस शेड होता है लाइन जो है वो गुफा के अंदर रहता है जिसे डैन कहते हैं पोल्ट्री जो है वो फॉर्म के अंदर होता है मॉन्क मोनेस्ट्री के अंदर रहते हैं ठीक है फिश एक्वारियम में रहता है आपको पता है कि एक्वारियम का घरों में भी आजकल रखने लगे हैं लोग बाग हॉर्स जो है वो स्टेबल में ठीक है तो ड्वेलिंग प्लेस आप ध्यान रखें बहुत सारे हैं ऐसे से अन केवल टेन टू ट्वेंटी डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे यदि लिस्ट रखूं तो मैं पूरा फोर्टी फिफ्टी मिनट केवल और केवल ड्वेलिंग प्लेस के ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं आप ध्यान रखें जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूं मैं यहाँ पर आते हैं स्टडी एंड टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बर्ड्स है तो स्टडी ऑफ बर्ड्स जो कहलाता है वो ऑर्निथोलॉजी तो कहलाता है लेकिन यदि क्लास पूछ ले आपको तो फिर बर्ड्स की क्लास जो होगी या ड्वेलिंग प्लेस होगा तो फिर आप बोलोगे अवायरी ठीक है तो चीज ध्यान रखना तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है राइट right? नेम्स की स्टडी को क्या कहते हैं तो आप बोलोगे ऑनोमैटोलॉजी अर्थ क्वेक की स्टडी को क्या कहते हो तो आप बोलोगे सिस्मोलॉजी राइट प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है तो आप बोलोगे बॉटनी हु इज द फादर ऑफ बॉटनी तो आप बोलोगे थियोफ्रेस्टस राइट तो इज द फादर ऑफ बॉटनी इज द फादर ऑफ जूलॉजी सारे फादर्स आपको पता होने चाहिए कि जूलॉजी है उसका तो एरिस्टू है जैसे एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले ह्यूमन रेसेस जो है उसकी स्टडी को इथनोलॉजी कहते हैं एम्फीबियंस जो है एम्फीबियंस आपको पता होंगे क्या होते हैं जो पानी में रह सकते हैं कि बाहर भी रह सकते हैं क्या उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं क्या स्टडी ऑफ एम्फीबियंस फ्यूचर की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं आपको पता ही है ठीक है ऑन्टोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ रियलिटी कहलाता है डिजीज की स्टडी आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के बाहर जाके देखोगे तो आप लिखोगे पैथोलॉजी दिखेगा वहां पे आपको पैथोलॉजी होता है बीमारियों का अध्ययन राइट बहुत सारी बीमारी है उसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं मैंस की स्टडी को क्या कहते हैं मैंस की स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी यदि एंथ्रोपोलॉजी की जगह केवल एंथ्रो वर्ड रह जाए ठीक है एंथ्रोलॉजी तो फिर स्टडी स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा एंथ्रो एंथो हो जाए केवल एंथो तो स्टडी ऑफ पोएम हो जाएगा एंथोलॉजी तो तीन वर्ड है एक तो है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी तो होती है स्टडी ऑफ मैन यदि एंथो वर्ड रह जाए ए एन टी एच ओ तो स्टडी ऑफ पोएम होता है पोएम्स की स्टडी और एंथ्रोलॉजी हो जाए तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स कहलाता है ठीक है तो आप ध्यान रखना की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी पोएम्स की स्टडी जो होती है एंथोलॉजी होती है और स्टडी ऑफ फ्लावर्स दैट इज एंथ्रोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेज जो है वो आपके कहलाता है या आपके इसी तरीके से आ जाता है हिंदी मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किडनी जैसे है तो किडनी के पास में लिख देगा या तो किया ना क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स आपको पता है किडनी की एक सबसे छोटी यूनिट होती है अपनी किडनी होता है ठीक है प्यूरिफाई करने के लिए काम में आ रहा होता है तो इधर नेफ्रोलॉजी ध्यान रखना और आपसे कोई पूछ ले किडनी की यूनिट क्या है वॉट इज द यूनिट ऑफ किडनी तो आप बोलोगे सर नेफ्रॉन राइट right. ब्लड की स्टडी को आप जानते ही ऑलरेडी हेमटोलॉजी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है ठीक है जो अपने ब्लड को रेड बनाता है उसके अलावा लैंग्वेज जो है उसकी स्टडी को सेमेनेटिक्स seman, कहते हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें आप देखना जो भी आपको इसको राइट डाउन कर लेना कॉपी में रफली और उसके बाद आपको वन वर्ड्स जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें काम में आएगी ठीक है महेश मीणा गुड मॉर्निंग ठीक है आगे आते हैं उसी तरीके से जैसे फंगाई है तो फंगाई कहाँ पर होती है माइके में है ना तो माइकोलॉजी आपसे पूछ ले कि एलगी क्या होती है एलगी की स्टडी क्या होती है ये रहा एलगी तो होती है फाइकोलॉजी इन दोनों को एक साथ याद रखना फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी माइके में लगती है फंगस ठीक है और फाइकोलॉजी जो दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एलगी राइट एग्स की स्टडी क्या होती है तो आप बोलोगे ओ, -ओ है ना उलोजी भी कह सकते हो इसे ओलॉजी भी कह सकते हो जैसा आपका प्रोनाउंस है तो उलोजी कह लो एनिमल्स की स्टडी आपको पता है जूलॉजी कहलाता है उसके अलावा सॉइल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है पेडो वर्ड होता है पीडो वर्ड होता है सॉइल के लिए पीडो राइट स्टडी ऑफ सॉइल इज पीडोलॉजी उसके अलावा सैरिक्रेशन नेडोलॉजी तो ये सारी चीजें ध्यान रखना अभी ये बहुत चल रहा है वायरोलॉजी वायरस वायरस का आप ये भी ध्यान रखना कि स्टडी सेंटर अपने यहाँ पर कहाँ पर है इंडिया में इंसेक्ट्स जो है बहुत आता है इंटोमोलॉजी इंटोमो वर्ड होता है इंटोमो वर्ड दैट इज यूज फॉर इंसेक्ट्स राइट फोजिल्स जो होता है जिसे हिंदी में जीवाश्म कहते हैं जीवाश्म की हिंदी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं तो आप बोलोगे सर पैलेंटोलॉजी राइट स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जाता है टेक्सोनॉमी कहते हैं इसे ठीक है सेलेनोग्राफी स्टडी ऑफ मून टिश्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसे अपन क्या कहते हैं उत्तक ठीक है उत्तक, उत्तक की स्टडी आपको पता है टिश्यूज कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं और उत्तक की स्टडी अपनी हिस्टोलॉजी कहलाती है ये चीज ध्यान रखना हिस्टो कई जने हिस्टो से हिस्ट्री पे चल जाते हैं इसलिए आप कोरिलेट मत कर लेना हिस्टोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज कहलाता है हर्ट की स्टडी को आपको कार्डियोलॉजी पता ही है आपको कार्डियोलॉजी होती है और ब्रायोफाइट्स होते हैं आप जब बायोलॉजी में पढ़ोगे तो ब्रायोफाइट्स कई सारे आएंगे आपको तो ब्रायोलॉजी भी कहलाता है उस में ठीक है आगे मूव करते हैं अपन इसके बाद रॉ मेटीरियल्स रॉ मेटीरियल क्या यूज होता है जैसे कि आप बोलोगे प्रिज्म के लिए क्या यूज होता है तो आप बोलोगे ग्लास जैसे बटर के लिए क्या यूज होता है तो आप बोलोगे सर मिल्क ठीक है रॉ मेटीरियल आ जाएगा जैसे कि वॉल दीवार बनाने के लिए ईंटों का यूज होता है ब्रिक्स राइट right? शूज बनाने के लिए किसका यूज होता है लेदर मेटल के लिए अयस्क का यूज होता है हिंदी मीडियम वाले जानते हैं इसको अयस्क कहते हैं को जैसे आपको पता है 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 ना बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए आता है उसी तरीके से ये तो और होता है और इससे अल्यूमिनियम मिल रहा होता है उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि गुड़ होता है जैगरी गुड़ बनाने गुड़ किससे बनता है तो आपको पता है गन्ने से बनता है तो इसे शुगर केन कहते हैं तो गन्ने से जैगरी बनता है ठीक है इसी तरीके से अपन को पता है रोड जो होता है डामर से बनती है और डामर को इंग्लिश में क्या कहते हैं राइट तो ये सारी चीजें जैसे कि ये को पता है कि ये जूट का एक तरीके का बोरी कहते हैं इसको अपन हिंदी में उसे सैक कह सकते हैं ज्वेलरी गोल्ड से बनती है ऑयल सीड से पेपर पल्प से बनता है क्लोथ फाइबर से बनता है ग्रेप से वाइन बनती है लेटेक्स से रबर बनता है राइट पुल ओवर जो कि आप नेट पर सर्च करोगे तो पुल ओवर बहुत टी टीशर्ट्स और ऊपर से पहनने वाली चीजें वूल से बनती हैं ठीक है फर्नीचर वुड से बनता है तो इस तरीके से रॉ मटेरियल के थ्रू आप देख सकते हो ठीक है पी आर कोहली गुड मॉर्निंग अभी आगे आते हैं वर्ड्स एंड इंटेंसिटी इंटेंस वर्ड जैसे कि अपन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एक तो सिंपल सा होता है कि अपन गुस्सा कर लें सामने वाले को और ठंडा हो जाए अपना

बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है लेकिन आप ध्यान रखना ये लो इंटेंस वर्ड है और ये इंटेंस वर्ड है तो मतलब ज्यादा इंटेंस करोगे तो मना कर दोगे डिनाय कर दोगे साफ साफ रिफ्यूज कर रहे हो चलो ठीक है कि फिर भी आपकी संभावना है जाने की ठीक है अनहैपी जो है उसका इंटेंस वर्ड सैड होगा एरर छोटी मोटी एरर है तो एरर होगा और बहुत बड़ी गलती कर दी तो आपने ब्लंडर करोगे क्राइम जो है उसका इंटेंस वर्ड सिन होता है एक तरीके का पाप कर दिया आपने ठीक है तो इसके बाद आगे मूव करते हैं अपन अब वर्ड्स और सिनोनिम्स जो हैं वो आपको देखने वर्ड्स और सिनोनिम्स बहुत सारे आपको आने चाहिए क्योंकि वर्ड्स और सिनोनिम जो है आज से यदि आप याद करने लगो तो बहुत सारे इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं पता नहीं कितने, और कितने में याद कर चुके हो। जिसे और विलोम शब्द हैं वो ही में भी काम में आती है वो हर पेपर में आ रही होती है एग्जाम तो तो में या आप पैसेज पढ़ोगे उसके साथ दो सिनोनिम और दो एंटोनिम या एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आएगा ही आएगा तो वो आपके आपके न्यूज पेपर की रीडिंग के ऊपर है कि आपने कितने किए कितने नहीं किए ये मैंने फिर भी आपको एक लिस्ट दे रखी है ठीक है बहुत सिंपल सिंपल लिस्ट है तो जैसे कि अबॉर्ड होता है उसका सिनोनिम्स ड्वेलिंग होता है इसको आप देख लेना आराम से ठीक है जैसे कि कमी होती है एक तरीके की तो डर्थ कहते हैं बहुत कमी होती है उसको स्केयर्ड सिटी भी कहते हैं एम होता है खालीपन होता है ऐसे वैकेंट कहते हैं किसी को बैन करना उसको प्रोहिबिशन करना तो प्रोहिबिशन और बैन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं या तो बैन कर दो या प्रोहिबिशन कर दो तो इस लिस्ट को देखना अपन क्वेश्चनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे

ठीक है पॉज करके और फिर उसके बाद में जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब वापस से डिस्कशन कर लेंगे हेलो ठीक है अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार आता है सिंबल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज राइट किसी भी स्टेट का आपको सिंबल जैसे राजस्थान का आपको पता है ना कि स्टेट सिंबल क्या है कि आपको पता है राजस्थान का राजकीय पशु क्या है तो आप बोलोगे सर या तो ऊंट कह लो या चिंकारा कह लो राइट कैमल उसके अलावा आपको कोई पूछ ले राजस्थान का सर राजकीय पक्षी क्या है बर्ड क्या है तो आप क्या बोलते हो हिंदी मीडियम वाले गोडावन बोलते हो या आप बोलते हो कि सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह सकते हैं इसे वैसे आपको राजस्थान का पता है वैसे हर एक स्टेट का भी पता होना चाहिए ठीक है हर एक स्टेट का पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश जो है उसका आपको पता है कि अभी 2014 से 2024 तक हैदराबाद इसकी कैपिटल है तेलंगाना की भी और काला हिरण जो है वहां का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक कहते हैं इसे और ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरण राइट उसके अलावा बर्ड की बात करूं कोई पूछ ले आंध्र प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है तो आप बोलोगे इंडियन रोलर इंडियन रोलर एक बर्ड का नाम है और इंडियन रोलर से ही आप सर्च करोगे और आपको बढ़िया तरीके से फोटो आएगी गूगल पे कि रोलर किस टाइप का दिखता है ठीक है अपन ने रोलर केवल अपने रोडों पे चलते हुए देखें अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश जो है उसके जानवर का नाम है मिथुन मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मिथुन मिथुन बहुत सारी जगह है आप चीज ध्यान रखना वो वाला वर्चुअल मिथुन नहीं है जो आप देखते हो पर्दे पे ये मिथुन एक एनिमल है जो कि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी आएगा नागालैंड में भी आएगा ये चीज ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और कहाँ कहाँ पर आता है अभी पता लग जाएगा एक ये चीज ध्यान रखना ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है तो आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है वो आप देखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया में कौन से स्टेट में मनता है ठीक है ग्रेट हॉर्नबिल असम का ध्यान रखना असम के अंदर आपको पता है असम जो है उसके अंदर एक काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है अपने राइनोस के लिए राइनोस जैसे अपन गैंडा कहते हैं हिंदी में एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है तो आप बोलोगे तो आप बताओगे सर कांजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है असम तो वन हॉर्न राइनोसि कहते हैं उसके अलावा वहां का जो बर्ड है वो बर्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डक मतलब कि एक डक है जिसके व्हाइट विंग्ड है ठीक विंग है व्हाइट विंग वुड डक कहते हैं इसे उसके अलावा बिहार जो है उसका बैल है ठीक है आपको पता लगी गया कि बिहार जो है उसका साधारण सा एनिमल जो है स्टेट एनिमल बैल है और घरेलू जो चिड़िया है हाउस स्पेरो की बर्ड है तो आपको हर एक स्टेट के ऑन आन टिप्स आने चाहिए जितने भी स्टेट हैं यूनियन टेरिटरीज है कोई भी कुछ भी पूछ ले राजस्थान के अलावा तो आपको सारी चीज पता हो राइट अब जैसे कि बात करते हैं छत्तीसगढ़ जल्दी जल्दी देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है उसकी भैंस है वाइल्ड बफेलो उसके अलावा हिल मायना वहां का बर्ड है हिल मायना इसकी एक लिस्ट बना लेना या नेट से सर्च कर लेना गोवा जो है उसकी एक जो जानवर है गौर जैसा होता है जी ए यू आर बैल जैसा ही होता है लेकिन है गौर कहते हैं उसे उसके अलावा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल एक पक्षी है ठीक है तो फ्लेम थ्रोटेड ऐसे नहीं कि उसके गले में से आग निकल रही है कोई फिर भी बुलबुल -बुल है गोवा की गुजरात जो है आपको पता होगा गुजरात का जानवर जो है एशियाटिक लॉयन है वहां पर लॉयन काफी आपको पता है कि एक गांव है जहां पर लॉयन डायरेक्टली ऐसे घूम रहे होते हैं वो है एशियाटिक लॉयन ठीक है एशियाई शेर कह सकते हैं इसे उसके अलावा फ्लैमेंगो फेस्टिवल भी होता है और ग्रेटर फ्लैमेंगो एक पक्षी का नाम है जो कि गुजरात का अपने स्टेट बर्ड कहलाता है हरियाणा और उसके अलावा पंजाब जो 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 आएगा उसका भी जो, जो जानवर है स्टेट बर्ड है वो ब्लैक बक कहलाएगा हरियाणा हुआ पंजाब हुआ और आंध्र प्रदेश का तीनों का एक साथ याद कर सकते हो ब्लैक बक ठीक है उसके अलावा ब्लैक फ्रेंकोलिन फ्रेंकोलिन एक बर्ड का नाम है दैट इज स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा राइट हिमाचल प्रदेश आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ में आता है इसलिए वहां का जो पशु है स्नो लेपर्ड कहते हैं ठीक है बर्फीला तेंदुआ कह सकते हैं जिसे अपन और वेस्टर्न ट्रैगोपन एक पक्षी का नाम है पक्षी हो सकते हैं आप लोगों को याद नहीं हो तो आप एनिमल एनिमल तो याद कर लेना जम्मू कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल हंगुल होता है एक बार क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं साइड में ऐसे लिख देगा जे एंड के और यहाँ लिख देगा हंगुल ठीक है अब आप छोटे मोटे एग्जाम तो दे नहीं रहे आप हायर लेवल एग्जाम और झारखंड लिख देता है तो झारखंड आपको पता होना चाहिए ठीक है तो दो तरीके के स्टूडेंट थे एक तो ये सोचता रहेगा कि सर अंगुल क्या है ठीक है और झारखंड का आंसर नहीं बताएगा और तुक्का मार देगा और दूसरे को पता ही होगा कि सर झारखंड आए कर्नाटक आए और केरला आए सर इन तीनों के स्टेट एनिमल है एन, एलिफेंट राइट तो झारखंड उसके अलावा आपको पता है कर्नाटका और केरला इन तीनों के स्टेट एनिमल एलिफ एलिफेंट्स है उसके अलावा पक्षी कोयल है इंडियन रोलर है और ग्रेट हॉर्नबिल है तो ग्रेट हॉर्नबिल एक तो अपने केरला में हो गया था और एक ग्रेट हॉर्नबिल देखो यहाँ पर कहां पर हो रहा है अपने एक हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है तो को करके पढ़ना केरला और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा होता है वो भी आप ध्यान रखना जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना काली गर्दन वाला क्रेन जिसे सारस कहते हैं अपन हिंदी में तो काली गर्दन वाला जो सारस है या क्रेन है वो किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी का ठीक है एनिमल पक्षी है तो आप बोलोगे सर ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पक्षी फेमस है ठीक है आगे बात करेंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपको पता होगा जैसे कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश जो है इसे बारा सिंगा कहते हैं हिंदी में स्वैम्प डियर स्वैम्प डियर को हिंदी मीडियम वाले बारा सिंगा कहते हैं। उसके अलावा एशियन पैराडाइज फ्लैग फ्लाई कैचर है एक बार आप रीडिंग करना उसके अलावा महाराष्ट्र का जो एनिमल है वो गिलहरी कहते है, विशाल गिलहरी कहते है, को गिलहरी विशाल स्क्विरल को आप देखे होंगे छोटी मोटी गिलहरी घूमते हुए तो लेकिन आपके विशाल गिलहरी है उसके अलावा येलो फुटेड ग्रीन पीजन मतलब की उसके येल्लो फुटेड का मतलब हो गया पीले पैर वाले ग्रीन पीजन जो है वो महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है उसके अलावा मणिपुर जो है उसके एनिमल का नाम संगाई है संगाई ठीक है उसके अलावा मिस ह्यूम फीजेंट एक तरीके का कबूतर ही होता है ये मेघालय जो है मेघालय का आप ध्यान रखें क्लाउडेड लेपर्ड तेंदुआ कहते हैं इसे ब्लैक कलर का होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का और थोड़े थोड़े आ, उसमें स्पॉट बने हुए होते हैं हिल मायना जो है वो मेघालय का ही आपको पता है कि एक बर्ड है मिजोरम जो है सिरो बहुत इंपॉर्टेंट है सिरो अपने तो सिरो तो सीरा बनता है अपने है है ना अभी ठंड के के अंदर गर्मियों के अंदर गर्मियों तो बनता नहीं है, जिसे अपन हलवा कहते हैं यहाँ पर सिरो एक जानवर है ध्यान रखें उसके अलावा यह है नागालैंड नागालैंड का भी देखो आपको बताया था मैंने अरुणाचल के साथ ही मिथुन है उसके अलावा सांभर लेक राजस्थान में है लेकिन सांभर एक जानवर है जो कि उड़ीसा के अंदर है ठीक है इंडियन रोलर जो यहाँ पर उसका पक्षी है उसके अलावा पंजाब मैंने बताया था काला हिरण है उसके अलावा नॉर्दन घोषावक एक बर्ड का नाम है उसके अलावा राजस्थान का आपको पता ही है कैमल चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राइट सिक्किम इंपॉर्टेंट है 1974 में बाईसवा राज्य बना था अपना फुली 19 और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पैंतीसवां तो आपको पता होना चाहिए ठीक है कि वो सारी चीज़ें कि सिक्किम जो है जिसमें पहली बार रेफरेंडम हुआ था कि वो किस स्टेट के साथ या किस कंट्री के साथ जाना चाहता है लाल पांडा जो उसका पता ही है चाइना जो है वहां पर जी एन पांडा होगा लेकिन यहाँ सिक्किम का है रेड पांडा क्या एनिमल और ब्लड फीजेंड का मतलब हो गया खूनी एक तरीके का कबूतर है तमिलनाडु जो है नीलगिरी थार है स्टेट एनिमल और एमरल डव डव आपको पता ही है साबुन भी आती है और एमरल डव जो है तमिलनाडु का पक्षी भी है उसके अलावा तेलंगाना जो है उसका भी डियर है त्रिपुरा जो है लंगूर ठीक है लंगूर आप जानते होंगे जैसे कि आप जानते हो कि आ, बंदर जो है उसमें आ, जो क्रोमोसोम होते हैं अपने से बस एक ही काम होता है ट्वेंटी टू पेयर्स होते हैं और जबकि लंगूर के अंदर ट्वेंटी फोर पेयर्स होते हैं ठीक है क्रोमोसोम के अंदर यहाँ उत्तराखंड जो है मस्क डियर ठीक है उसके अलावा उत्तर प्रदेश ध्यान रखना स्वैम डियर तो स्वैम डियर जो आपको पता है एक तो एमपी के अंदर स्वैम डियर है बारा सिंगा और उत्तर प्रदेश में है वेस्ट बंगाल के अंदर फिशिंग कैट है ठीक है तो जितने आपसे याद हो सकते हैं उतने याद करना यदि आप रोज भी तीन तीन चार चार भी याद करते हो तो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के आपको क्योंकि राजस्थान याद है ना इसलिए आपको हर एक स्टेट इंपॉर्टेंट होता है और एनालॉजी इतना वाइड चैप्टर है कि यदि मैं स्टार्ट करूं और दस दिन तक भी एनालॉजी करूं तब भी खत्म नहीं होगा लेकिन अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कशन करेंगे ठीक है तो उसके बाद कैपिटल्स करेंसी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताइए कैपिटल्स और करेंसी कैपिटल जैसे इंडिया है इंडिया की कैपिटल आपको पता है न्यू दिल्ली करेंसी पता है वैसे इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और करेंसी है रुपया राइट right. मालदीव जो है जो अपना नेबरहुड कंट्री है दैट इज़ कैपिटल इज माले जैसे इंग्लिश मीडियम वाले माले ही कहेंगे ठीक है हिंदी मीडियम और पढ़ेंगे तो इसे मेल कहेंगे रुफिया ठीक है लेकिन इसे माले ही कहेंगे किसी भी हालत में मॉरिशस भी आपको पता है कि अभी क्वेश्चन आता है अपने कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में किस वे में आता है सिंगापुर से आता है कि मॉरिशस से आता है तो लिस्ट पूछेगा का, दो हजार का सबसे ज्यादा किस देश से होते हुए तो आप मॉरिशस करोगे कि सिंगापुर करोगे आप देख लेना पोर्ट लुइस उसकी कैपिटल है और मॉरिशियन रुपी चलता है वहां पे उसके अलावा नेपाल के अंदर रूपी चल रहा होता है काठमांडू आपको पता ही है काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है तो आप बोलोगे सर सार्क का हेडक्वार्टर है ठीक है पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद कैपिटल है करेंसी इज रूपी उसके अलावा जो है उसकी कैपिटल विक्टोरिया है वहां भी रूपी चल रहा होता है उसके अलावा श्रीलंका जो है उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है तो आप बोलोगे श्री कोट्टे ठीक है एक तमिल वर्ड है और उसकी करेंसी जो है वो भी रुपीज ही है तो आप चीज ध्यान रखना ये वो सारी कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रुपीज लिखी है उनको एक साथ सेट किया है अपन ने ठीक है ठीक है अब यहां पर आते हैं कौन सी कंट्रीज हैं जिसकी जो करेंसी है वो यूरो चलेगी ठीक है तो अपन जैसे बेल्जियम बा, की बात करते हैं ऑस्ट्रिया की बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का बहुत ऑस्ट्रिया का जो राजा और रानी थे उनका बहुत ज्यादा रीजन था तो वियना जो है वियना के अंदर आपको पता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी क्या हेडक्वार्टर है आई ए ई या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप वियना ही बोलोगे ठीक है एंडोरा ला विला एक अच्छा सा नाम है उसकी कैपिटल है बेल्जियम जो है उसकी कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है तो आप बोलोगे सर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है उसके अलावा आपको यूरोपियन यूनियन के अलावा नाटो का हेडक्वार्टर भी वहीं मिलेगा जब आप हेडक्वार्टर्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा यूरोपियन यूनियन का, का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है साइप्रस की कैपिटल जो है वो निकोसिया है करेंसी यहाँ सब यूरो चलता है यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने मेंबर्स हैं उन सब जगह यूरो ही चलने वाला है ठीक है उसके अलावा इस्तोनिया तलेन फिनलैंड जो है जिसकी राजधानी हेलसिन की है और फिनलैंड के अंदर एक रिवर फ्लो करती है जिसे कहते हैं नोकिया ठीक है उसी के नाम पर एक कंपनी रखी गई है मोबाइल की जिसका नाम है नोकिया फिनलैंड जो है हेलसिन की है ये चीज ध्यान रखना फ्रांस जो है आपको पता है वीटो पावर कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है जिसकी जो चांसलर है वो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल लेडी में आती है ठीक एंजेला एंजेला मार्कल तो ये ग्रीस जो है एथेंस उसकी कैपिटल है आयरलैंड जो है ये अपने आप को आजाद मानता है ठीक है रिग्जाविक इज नॉट द कैपिटल ऑफ आयरलैंड आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन 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 इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड रिग्जाविक जो है आइसलैंड की कैपिटल है आइसलैंड ठीक है ये चीज ध्यान रखना इज अ कैपिटल ऑफ आइसलैंड और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन आयरलैंड के आपने दो प्लेयर खेलते हुए देखे होंगे इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के अंदर ओ ब्रायन है एक तो एनो ब्रायन है जिसने फास्टेस्ट हंड्रेड बनाया था इटली जो है उसकी राजधानी आपको पता ही है रोम है ठीक है और वैटिकन सिटी जो है उसकी कैपिटल वैटिकन सिटी है स्मॉलेस्ट कंट्री कहलाती है ठीक है वर्ल्ड के अंदर तो ये सारी जो है इनकी जो करेंसीज है वो यूरो है उसके अलावा यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट है स्पेन जिसके अंदर आपको उसका स्पोर्ट्स पता होगा ठीक है जो कि हॉर्स की, की जगह बैलों की लड़ाई होती है है ना आमने सामने तो बुल फाइटिंग होती है स्पेन में उसकी कैपिटल है मैड्रिड रियल मैड्रिड आपने फुटबॉल क्लब भी सुना होगा विश्व की सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी द कैपिटल इज वेटिकन सिटी राइट ऐसे बहुत सारे देश हैं पोर्चुगल आपने नाम सुना होगा रोनाल्डो की वजह से क्योंकि रोनाल्डो पोर्चुगल से बिलोंग करता है और फुटबॉल का बहुत ही फेमस प्लेयर है लिस्बन उसकी कैपिटल है उसके अलावा नीदरलैंड्स का नाम सुना होगा आपने एमस्टरडेम उसकी कैपिटल है ठीक है सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पोर्ट है सबसे पहला पोर्ट और सबसे लंबा पोर्ट एमस्टरडेम में बना था मॉन्टेन ठीक है मॉन्टेन जो है कार्ले मॉन्टो तो के आपने कपड़े पहने होंगे ये मॉन्टेन है पोर्टगोरी का उसके अलावा मोनाको बिस्कुट भी आता था, था एक ठीक है कैपिटल है मोनाको माल्टा की कैपिटल वलेटा है लक्जम्बर्ग लग्जमबर्ग है और लिथेनिया तो विलिन, विलिनियस तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लातविया रेगा ये आपने एक बार रफली पढ़ना है आपको याद हो जाएंगे आपने दो तीन बार किससे डिस्कशन किया या खुद से भी डिस्कशन करोगे हिंट तो पता लग जाएगा चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट करने आ जाएंगे आपको ठीक है तो चीज ध्यान रखना पीसो जो है जिस कंट्री की कैपिट करेंसी पीसोज है वो भी आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री आती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो एक अर्जेंटीना देश आएगा उसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स राइट एंड करेंसी है पीसो अपने पर पैसे चलता है पैसे को जैसे कि अपन को पता है रुपया बराबर सौ पैसे होते हैं वहां पर पीसो है अब उससे कंपेयर मत कर लेना कि इतनी कमजोर होगी पीसो पीसो काफी चिली जो है आपको पता होगा सेंटियागो जैसे मारवाड़ी वाले सटियागो भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ चिली जो है उसकी कैपिटल है सेंटियागो दैट इज पीसो कोलंबिया जो है बगोटा है ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है अधिकतर मैक्सिको केवल एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसकी पीसो है जो कि अपने कनाडा यूएसए और उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको मैक्सिको दैट इज कैपिटल है मैक्सिकन सिटी करेंसी है पीसो और साउथ अमेरिका की अधिकतर कंट्रियों की करेंसी क्या मिलेगी आपको ठीक है पीसो तो आप ध्यान रखना क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहते थे द बाउल ऑफ शुगर उसकी कैपिटल है हवाना अभी तो चीनी जो है ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा है पीसो चलता है डोमिनिकन रिपब्लिक जो है उसको है सेंटो डोमेनिको एंड पीसो चल रहा होता है उसके अलावा मैक्सिको बता दिया फिलीपींस बता दिया जिसकी कैपिटल मनीला है वनीला शेक आप गर्मियों में पीते हो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है मनीला में एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है आप चीज ध्यान रखना ठीक है फिलीपींस पीसो चल रहा होता है उसके अलावा उरुग्वे आप ध्यान रखना कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता था कहाँ पर हुआ था किस किस के बीच में हुआ था फुटबॉल वर्ल्ड कप क्या उरुग्वे जीता था कि नहीं जीता था मॉन्टे वीडियो उसकी कैपिटल है और उरुग्वे पीसो उसकी करेंसी है उरुग्वे की ठीक है आसपास मिलेगा आपको ब्राजील के साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर ठीक है तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना पाउंड के बारे में ध्यान रखना कि पाउंड किस किस देश की करेंसी है तो आप ध्यान रखना इजिप्ट जो है आपको पता होगा ऑस्ट्रेल अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा जिसे अपन मिस्र कहते थे इंग्लिश मीडियम वाले कैपिटल कहते हैं हिंदी मीडियम वाले उसकी कैपिटल काहिरा कहते हैं ठीक है ठीके? और इजिप्शियन पाउंड करेंसी चलता है लेबनन जो है उसकी कैपिटल बैरूत है और लेबन लेबनीज पाउंड करंसी है साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान आपको पता होगा सूडान के दो पार्ट हो गए एक तो सूडान रह गया और एक साउथ सूडान हो गया सूडान की कैपिटल खारतुम है और साउथ सूडान की जो कैपिटल है वो है जुबा राइट दैट इज जुबा तो सूडान जो है उसकी कैपिटल खारतुम है और पाउंड चल रहा होता है सीरिया जो आपको पता है कि आईएसआईएस ने जब से तबाही मचाई उसमें जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया तो इराक और सीरिया दोनों को बर्बाद कर दिया तो सीरिया में जो, जो चाहे वो बम गिरा देता है और कैपिटल है दमास्कस राइट एंड पाउंड चल रहा होता है यूके आप जानते हो कि चार कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है चार कंट्रीज में जिसमें अपना एक इंग्लैंड आता है वेल्स आता है जो कि अभी फुटबॉल अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ठीक है आयरलैंड का नॉर्थ आयरलैंड अपना आजाद मानता है साउथ आयरलैंड और स्कॉटलैंड इस तरीके से चार कंट्रीज से मिलकर बना होता है और कैपिटल है लंदन और पाउंड स्टर्लिंग वहां की करेंसी हो गई ठीक है तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना अधिकतर मुस्लिम कंट्रियों में रायल या रियाल या अपने ठीक है दिनार चल रहा होता है तो चीज ध्यान रखोगे जैसे कंबोडिया है सऊदी अरब उसकी कैपिटल है रियाल में दोनों में डिफरेंस है यह चीज ध्यान रखना करेंसी वाइज जैसे अपना रुपया और पाकिस्तान का रुपया एग्जैक्ट थोड़ी हो सकता है इकोनॉमी वाइज हो सकता है अपना कम हो या ज्यादा हो ठीक है यदि अपन इंटरनेशनल व्यापार से कंपेयर करें तो तो आगे आते हैं दिनार किस किस की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया वाइज टेंथ नंबर पे अल्जीरिया कंट्री उसकी अल्जीरियास कैपिटल है और दिनार करंसी है ऐसे ही बहरीन मनामा कैपिटल है इराक बगदाद है जॉर्डन अमान कैपिटल है और इन सब में दिनार चलेगा कुवैत कुवैत सिटी है लीबिया त्रिपोली राइट स्कॉपजी जो है मैसेडोनिया की कैपिटल है सर्बिया जो है जहां का नोवाक जोकोविच आता है अभी भी विम्बलडन जीता था ध्यान रखना नोवाक जोकोविच एकमात्र ऐसा प्लेयर है एक साल के चारों ग्रैंड स्लैम जीता हुआ राइट? जो, है, उसकी है, जो है उसकी कैपिटल जो है जहां पर अभी आईपीएल होने वाले और उसकी जो करेंसी है वो दिरहम है डी आई आर एच एम राइट तो ये चीज ध्यान रखोगे ये थोड़ा हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो लेकिन मैं बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल कैनबरा है ये बहामास है नासू बारबेडोस ये सारी वेस्ट इंडीज की कंट्रीज हैं आठ कंट्रीज आती हैं वेस्ट इंडीज में बरमुडा बरमुडा हैमिल्टन ब्रुनई ब्रुनई का ध्यान रखना ब्रुनई जो है उसके जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगावान राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंदर सेरी बेगावान इसको इंग्लिश मीडियम वाले मंकी सेरी बेगावान नहीं बोलेंगे यहां डॉलर चलेगा कनाडा की कैपिटल ओटावा है डोमिनिका रोसु फिजी जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको सुआ उसके अलावा गुयाने ये आपके वेस्ट इंडीज में मिलेगा जमैका आप जानते हो सैन बोल्ट किंगस्टन पैनड्राइव भी आती है किंगस्टन उसके अलावा ठीक है ये सारे जैसे न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट है वेलिंगटन राइट उसके अलावा सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर पनामा की पनामा सिटी राइट ताइवान जो है ताई पे उसकी कैपिटल है और ये सारे आपको पता है जिम्बाबे हरारे पहले इंडिया के मैच होते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड पावरफुल कंट्री डीसी राइट तो इन सब के अंदर ऑलमोस्ट डॉलर 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 चलता है इनको एक साथ याद कर सकते हो आप ठीक है उसके अलावा करेंसीज देखते हैं जैसे कि इंडिया के जो पड़ोस में है जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान जो है उसकी कैपिटल आपको पता ही है काबुल है उसके अलावा वहां की करेंसी अफगानी चलती है अफगानी करेंसी कहते हैं इसे ठीक है अल्बानिया जो है तिराना उसके अलावा अंगोला जो है ये लोंडा है ये आपको अफ्रीकन कंट्री में मिलेंगे ऊपर डांग नाम जिसको आपको बोलने पे एक बार आपको हसीसी फील आएगी ठीक है क्वाचा जो है या क्वांजा जो है वहाँ की करेंसी है बांग्लादेश जो है उसकी कैपिटल जो है वो ढाका है वो जो कि उसकी करेंसी क्या है टका है राइट उसके अलावा बेलारूस जो कि मेन्स आता है और रूबेल आपको पता है रूबेल अपने रशिया की भी करेंसी होती है तो इस तरीके से अपनी कैपिटल करेंसीज आप ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की देख लोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूटान की भूटान जो अपने इंडिया का नेबरहुड कंट्री है उसकी कैपिटल है थिम्फू और उसकी जो करेंसी है वो है निगुलट्रम राइट right? निगुलट्रम तो आप ध्यान रखना कि इंडियन रुपीस को निगुल ट्रम में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने भूटान में जाने पे ब्राजील की ध्यान रखना ब्राजीलिया इंपॉर्टेंट है बुल्गारिया सोफिया है और उसके अलावा इसमें से क्रोएशिया क्रोएशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पता होगा टू के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल तक गई थी क्रोएशिया फ्रांस उसके अंदर जीत गया था लास्ट में चार दो से और क्रोएशिया एक छोटा सा देश होने के बावजूद फाइनल में गया उसकी कैपिटल है जागरेब राइट चेक रिपब्लिक है उसकी कैपिटल है प्राग डेनमार्क की कैपिटल कॉपन हैगन इरेट्रिया जो है अस्मारा इथोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के पास में एक कंट्री मिलेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जिसका नाम है जिसका नाम है इथोपिया जिसकी पूरी देश की जो इकोनॉमी है वो वहां के खेल के ऊपर डिपेंड करती है उसके अलावा यहां पर घाना इंपॉर्टेंट है घामा घाना जो है आकरा ठीक है जॉर्जिया भी इंपॉर्टेंट है तिबली ऐसे करते करते आपको ऑलमोस्ट 140, 150 कंट्रीज की ऑन टिप्स करेंसी कैपिटल्स पता होगी आप एनालॉजी के अंदर कहीं फंसोगे नहीं आपने एस एस सी लेवल का यदि आपने पेपर भराया टेन प्लस टू या सी जी एल का तो एक क्वेश्चन कैपिटल करेंसी का और डेट्स का आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स का तो वो फ्री का क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली सबका सही हो जाता है ठीक है ओके इसके बाद की बात करेंगे तो हंगरी हंगरी की ध्यान रखना हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है फॉरेंट वहां की करेंसी है अभी अभी बताया था आइसलैंड की कैपिटल रिग्जाविक है उसके अलावा ईरान जो है उसकी कैपिटल तेहरान है जापान की कैपिटल तो, टोक्यो है जापान की ये चीज ध्यान रखना येन चाइना की जो करेंसी है वो है यू राइट म्यांमार जो कि इंडिया का इंपॉर्टेंट एक कंट्री है म्यांमार जिसके राष्ट्राध्यक्ष को जेल में डाल रखा है वहां के सेनाध्यक्ष ने तो नेफ्यू दो है वहां की कैपिटल और बर्मीश क्या ठीक है क्या क्या जैसे अपन बोलते हैं ना क्या तो क्या क्या आगे तय लगाना है क्या तो बर्मा की करेंसी हो जाएगी राइट उसके अलावा मंगोलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंगोला चाइना के ऊपर पड़ेगा आपको उलान बटोर वहां की जो उलान बटोर राइट उलान बटोर वहां की कैपिटल है मंगोलिया की माली जो है आपको पता है बमाको बमाको धमाको तो कई बार सुना है बमाको याद रखना माली का मलेशिया की क्वाला है उसके अलावा किर्गिस्तान बिश्केक है ये तान बहुत सारे परेशान करेंगे जैसे पाकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान अफगानिस्तान ये सारे के सारे आप ध्यान रखना ठीक है केनिया जो है उसकी कैपिटल नरोबी है और शीलिंग यहाँ आ गया शीलिंग लिखा हुआ ये यहाँ इसकी करंसी है केनियन शीलिंग राइट तो केनिया की करंसी है शीलिंग और केनिया की कैपिटल है नैरोबी कजाकिस्तान जो है नूर सुल्तान अभी नई बनी है वहां की कैपिटल तो चीज ध्यान रखना नूर सुल्तान जो है वो कजाकिस्तान की है उसके अलावा इसराइल है तो इसराइल बहुत लिखी हुईल तो की जो करेंसी है वो है शेकल और कैपिटल क्या है तो आप बोलोगे सर जेरूशलम इस तरीके से ये सारी की सारी कैपिटल्स और करेंसी आप ध्यान रखना लाओस जो है वो आप जानते हो एशियान एशियान पड़ा होगा ठीक है उस एशियान के जो दस मेंबर्स हैं उस एशियान में लाओस भी आएगा आपके ठीक है तो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी उसके अलावा कुछ कंट्रीज और देखते हैं जैसे रवांडा का नाम आपने सुना होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगी की गाली नाम है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है की गाली तो कोई गाली देनी है ना आपको और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको की गाली देनी है और की गाली क्यों दोगे क्योंकि आपको पता है रवांडा की कैपिटल है याद भी हो जाएगी क्योंकि कोई चीज अपन मुंह से निकालें तो वो ऐसी चीज निकालें जिससे कि याद हो जाए आपके ठीक है तो चीज ध्यान रखेंगे तो रवांडा जो है उसकी कैपिटल की गाली है और फ्रैंक चल रहा होता है उसके अलावा ये सारी कंट्रीज आप देख लेना जैसे नॉर्थ कोरिया आप जानते हो प्योंगयांग जहां पर जो और किंग जो बैठा हुआ है वो आपको पता ही है कि उसमें कितना दिमाग है नॉर्थ कोरियन वॉन चलता है ऐसे साउथ कोरिया के अंदर भी वॉन चलेगा है ना उसकी जो साउथ कोरिया की जो होगी वो आप ध्यान रखना जैसे कि सोमालिया जो है सोमालिया एक सबसे भ्रष्ट कंट्री है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा करप्टेड कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो है मोगा डीशू तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी द वर्ल्ड के अंदर सबसे करप्टेड कंट्री कौन सी है तो आप क्या बोलोगे कि सर सोमालिया है सोमालिया की कैपिटल है मोगा और वहां की करेंसी भी वही है शिलिंग जो केनिया की है राइट केनिया वाली उसके अलावा रशिया आप ध्यान रखें वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है जिसकी कैपिटल मॉस्को है और वहां की करेंसी क्या चलती है रूबल राइट रूबल ये जलोटी याद रखें कई सारे जलने वाले लोग होते हैं मार्केट में आप जलोटी याद रखें जलोटी जो है वो पोलैंड की जो होती है करेंसी होती है और कैपिटल क्या है वॉर्सो राइट पेरू आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा और उसकी जो कैपिटल है वो लीमा है और करेंसी सोल है जैसे अपने शूज के अंदर सोल लगा हुआ होता है वैसे सोल अपने पेरू के अंदर भी है पराग्वे का ध्यान रखना है संगशियन कहलाता है और गुरैनी नॉर्वे जो है जो कि आपको पता है कि अपने पीसफुल नॉबल प्राइज नॉर्वे देता है या तो ऑस्लो ऑप्शन में आता है या नॉर्वे ऑप्शन में आता है वर्ल्ड का जो नॉर् पीसफुल जो प्राइज देता है नोबल प्राइज वो ऑस्लो या नॉर्वे देता है बाकी बचे पांच नोबल प्राइज स्वीडन देता है जिसकी कैपिटल क्या है स्टॉकहोम राइट और वहां पर भी क्या चलता है क्रोने क्रोनी तो इस तरीके के अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे इससे आने वाले दिनों में एनालॉजी के ठीक है सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय टेक केयर और इसी तरीके से जुड़े रहिए ठीक है थीके?